शुभ मध्याह्न छात्रों, आज हम सप्तमी कक्षाया सुभाषितानि पाठस्य प्रथमता तृतीय पर्यंतम श्लोकानि पठामा। आज हम सुभाषितानि पाठ के पहले श्लोक से लेकर के तृतीय श्लोक तक आज हम इसे इसका उच्चारण करेंगे और इसका जो अर्थ है वह भी स्पष्ट करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अभी ऑनलाइन कक्षा में भी इसे एक बार बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया था। जो बच्चे इसे समझ नहीं पाए वो एक बार इसका अर्थ एक बार स्पष्ट वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पृथिव्यां त्रीणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। द्वितीय श्लोकाचरण करते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तृतीय श्लोक है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा। एक बार पुनः प्रारंभ करेंगे प्रथम से तृतीय तक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा। एक बार पुनः ये वाला श्लोक देखेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा। तो कह रहे हैं पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं? पृथ्वी में तीन रत्न हैं। जैसे आपने देखा होगा रत्न, जैसे पत्थर के टुकड़े आपने देखा होगा और उस पत्थर के टुकड़ों को कई रंग बिरंगे भी होते हैं, वर्ण के अनुसार भी होते हैं, रंग के अनुसार भी होते हैं। जैसे हम धारण करते हैं अपने हाथों में, कोई उसका अंगूठी बना करके पहनता है तो वो भी एक रत्न होता है। तो पृथ्वियां, अब मगर श्लोक के माध्यम से रत्न क्या है ये बता रहे हैं और वह कितने हैं। तो पृथ्वियां, पृथ्वी में त्रीणी रत्नानि, एकम द्वे त्रीणि यानी बहुवचन है, तो त्रीणी रत्नानि तीन रत्न है। रत्नम रत्ने रत्नानि हो गया, अभी क्यों हुआ? क्योंकि बहुवचन है, तीन है ना, एक से ज्यादा दो से ज्यादा हो जाए तो बहुवचन हो जाता है। तो पृथ्वियां त्रीणी रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न है? पृथ्वी में तीन रत्न है, ठीक है। जलमन्नम सुभाषितम, वो कौन कौन से हैं? जलमन्नम सुभाषितम, वो कौन कौन से हैं? जल यानी पानी, अन्न यानी जो हम खेत में जो किसान मेहनत करता है, और चाहे वो धान की खेती हो या कोई भी किसी भी प्रकार की खेती हो, जो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जो हम अपने भोजन में आप देखते हैं भोजन हम क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। तो वो ऊर्जा किससे मिलती है? अन्न से। एक तो है जल, अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम यानी अच्छे वचन। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखते हैं माता बच्चे को एक गुरु के समान, जो प्रथम गुरु कही गई है वो माता कही गई है, तो उसको बताती है, उसको उचित अनुचित के बारे में बताती है, उसे कैसे चलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कि क्या नहीं बोलना है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो देखते हैं उसे समाज से भी थोड़ा जो उसका जहाँ उसका वातावरण है, जहाँ वो रहता है, वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। फिर वह
विद्यालय में आता है, गुरु के संज्ञान में जाता है, और गुरु भी अपने, जैसे हम श्लोक के माध्यम से भी जानते हैं, तमसो माम ज्योतिर्गमय, जो मेरा तम रूपी जो अंधकार है, जो मेरा अज्ञान है, उसको गुरु के माध्यम से नष्ट किया जाता है, यानी गुरु उसको शिक्षित करता है समाज में रहने के, उसे काबिल बनाता है, वह समाज में अपना कैसा उसका मूल्य निर्धारित हो, यह भी गुरु के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। एक मूल्यवान व्यक्ति ही समाज में जाना जाता है, तो वह मूल्य कैसे व्यक्ति में विकसित होते हैं, तो वह सुभाषित, जो सुभाषित अच्छे वचन हैं, जो अच्छी बातें हैं, उसके माध्यम से विकसित होते हैं। मगर कह रहे हैं मूढ़े पाषाण खंडेशु, जो मूर्खों के द्वारा, जो आप देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारा अपना श्रृंगार में रुचि रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि हम जितना सच संवर लें, या जितने को अपने में कितने रत्न पहन लें या हीरे डायमंड पहन लें, तो उससे हमारी शोभा है। बल्कि श्लोक यह कहता है, श्लोक के माध्यम से जो सुभाषितानी श्लोक है, वो कह रहे हैं कि मूढ़ ही पाषाण खंड, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंड से पत्थर के जो टुकड़े हैं, उनको रत्न संज्ञा भी दीयते, रत्न की संज्ञा दे दी जाती है। आगे चलते हैं, द्वितीय श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। जो यह पूरा संसार है, संसार किसके अंतर्गत है, पृथ्वी के अंतर्गत है, पूरा जो जगत है वो किससे व्याप्त है, किससे धारण किया गया है, सत्य, सत्य के द्वारा। अगर सत्य नहीं होता तो दिन कैसे होता, अगर सत्य नहीं होता लोग अच्छा आचरण कैसे करते। जो भी हम विद्यालय जाते हैं या आज हम घर में पढ़ रहे हैं, तो उसका एक उचित कारण है कि हाँ भविष्य में हम इसका हमें लाभ मिले हैं, हम अच्छी बातें सीखने के लिए, माता पिता के सम्मान करने के लिए, गुरु का सम्मान करने के लिए, और समाज में एक मूल्यवान व्यक्ति बनने के लिए हमें सत्य का आश्रय लेना पड़ता है। तो पृथ्वी किस में टिकी है, भावार्थ ये कहता है पृथ्वी सत्य में टिकी है, सत्य कोई मशीन नहीं है जिसमें पृथ्वी टिकी है, बल्कि सत्य एक ऐसी भावना है जो जिसको लेकर के हम उचित धर्मानुकूल कार्य करते हैं, जो समाज के एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, या एक समाज का जो अच्छा दृष्टिकोण है उसमें चलता है। तो सत्येन तप्ते रवि, सत्य भी जो रवि है जो हमें प्रकाश देता है, अगर रवि ना हो, सूर्य ना हो, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, वो भी उससे हम भी नष्ट हो जाएंगे, यानी पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो जो रवि है, जो सूर्य है, जो वो स्वयं तपता है, जो अपने आप स्वयं को तपाता है, तो तभी वो हमें प्रकाश दे पाते हैं। घर में मम्मी पापा, मम्मी आप जब घर में रसोई में मेहनत करती है, तभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा भोजन जो पका के मिलता है वो देखने को मिलता है। पिता बाहर जब नौकरी करने जाते हैं तो देखने में आता है पिता बाहर मेहनत करते हैं और बच्चों की जो अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं, है। गुरु जब छात्र के सामने अपना वक्तव्य पेश करता है, उसको शिक्षित करता है, मगर जब वो स्वयं तपता है तभी तो आपको तपाता है। एक आप देखते हैं गुरु जो होते हैं वो कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, सुशिक्षित करते हैं, हैं, उसके उचित और अनुचित का निर्णय लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बच्चा एक न एक दिन क्या होता है, सफलता को प्राप्त होता है, और जो उनको सुनता नहीं है वो उसको सफलता से वो वंचित रह जाता है। तो सत्येन वाति वायुश्च, और वायु भी किससे बह रही है, सत्य पे बह रही है। वायु का भी एक आधार है कि अगर अधिक गर्मी हो जाए तो सारा जो जल है वो वाष्पित हो जाता है, और जब वो वाष्पित हो जाता है तो बारिश के रूप में आ जाता है, और जब बारिश होती है तो हवा चलती है। तो इसका आधार क्या है कि हमेशा अगर धर्म है पृथ्वी में तो अधर्म भी है, और अधर्म होगा तो धर्म भी होगा, तो दोनों ही
ये दोनों का आधार क्या है, सत्य है। तो सत्येन वाकि वायुश्च, सत्य के द्वारा क्या है, वायु भी बह रही है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, वो जितना भी ये संसार जो चल रहा है, जो आप देखते छोटे से लेकर के बड़ी से बड़ी जो नीति है, कार्य है, जो घर है या संसार है, वो किस पे आधारित है, वो सत्य पे आधारित है। वो सर्वं सत्य प्रतिष्ठिता, अगर हम घर में झूठ बोलना स्टार्ट कर दें, विद्यालय में झूठ बोलना स्टार्ट कर दें, घर में हम झूठ बोलना प्रारंभ कर दें, विद्यालय में भी हम झूठ बोलते चले जाएं, तो क्या होगा, हम जी नहीं सकेंगे, हैं, क्योंकि असत्य ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपा रह सकता है। तो सत्य का हमें मार्ग अपनाना ही पड़ता है, और जो सत्य का मार्ग नहीं अपनाता है वो नष्ट हो जाता है। आप भी देखते हैं कि बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति जब बचपन में कुछ चोरी करके लाता है, उसको शाबाशी मिलती है, तो ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें चोरी करके लाने लगता है। तो एक दिन वो बहुत बड़ा चोर बन जाता है, मगर हर चोर की एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। तो जब वो पकड़ा जाता है तो वो अपनी माता को बुलाता है, बोलता है मैं एक, उससे अंतिम इच्छा उससे पूछी जाती है, तो बोले मैं माता से मिलना चाहता हूँ। जब वो माता से मिलता है तो वो कहते हैं कि वो बाल या इत्यादि नाक, बाल या नाक इत्यादि उन्हें काट देता है। कहता है अगर बचपन में आपने मुझे एक अगर थप्पड़ यदि मारा होता तो उसका मुझे क्या मिलता है, अच्छा परिणाम होता, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनता। तो वो जो अच्छा आधार था, वो अच्छा व्यक्ति बनता, उसका आधार क्या था, सत्य था। अगर वो सत्य सदमार्ग में चलता तो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता था। तो यही है बचपन से माता पिता या गुरु बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके सदमार्ग के लिए हमेशा लगे रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो अनुशासन है, जो नियम है, जो घर में भी अनुशासन होता है, विद्यालय में भी अनुशासन होता है, तो उसका आधार क्या है, सत्य पे, सत्यगत आधार है। तो इसीलिए कहा गया है सर्वम सत्य प्रतिष्ठान, जो ये पृथ्वी टिकी है वो किस पे टिकी है, सत्य पे टिकी है। दाने तपसी सौर्य चा, फिर तृतीय श्लोक हम कह रहे हैं दाने, दान में, ठीक है, ये पृथ्वी के रत्नों के बारे में, पृथ्वी बहुरत्ना कहा गया है, और वो आप बहुरत्ना किस प्रकार है तो वो बता दे रहे हैं। दाने, दान में, तपसी, तपस्या में, तपसी सप्तमी विभक्ति है सब में, जिसमें सप्तमी विभक्ति होती है उसमें कौन से में पे पर अर्थ लगता है, तो यह सब अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। दाने यानी दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, पराक्रम में, चा और विज्ञाने विनयने, विज्ञान में, विनय में, नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना अवसंतरा, क्योंकि पृथ्वी को क्या कहते हैं, बहुरत्ना कहा गया है। तो दान देने में अर्थ क्या है, दान यानी दान देने में, तपसी तपस्या करने में, तपस्या यानी मेहनत, अगर मेहनत नहीं करेंगे खुद, जब ये पहला श्लोक जो द्वितीय श्लोक है उससे स्पष्ट होता है, सूर्य कैसे तपता है, जो वो खुद अपने को तप पाते हैं, यानी वो भी मेहनत करता है। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य में, शौर्य पराक्रम में, च और विज्ञान में, अपने नए नए जो हम नए नए विचार, नए नए उसका हम आविष्कार कर रहे हैं, विज्ञान में आविष्कार करने में, या विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने में, विनय विनम्रता में, जब हम कोई व्यक्ति जो कहते हैं विद्या ददाति मिनियम, विद्या को जब हम कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं तो उससे के अंदर हमारे अंदर क्या आता है, विनम्रता आता है। तो जब हम कुछ न कुछ हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती है तो उससे क्या होता है, विनम्रता का जन्म होता है। तो विनम्रता में दिखाने में, क्योंकि विद्या कैसे सीखी जाती है, जिसके अंदर विनय होता है वही विनयशील व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। और नई यानी नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, वो कह रहे हैं बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी क्या है, ये वसुधा क्या है, ये मही क्या है, ये धरा क्या है, ये भू क्या है, इसे ये मैं सब पृथ्वी के नाम आपको बता रहा हूँ।
जिसे आपको पता चले कि पृथ्वी के भी अनेक पर्यायवाची हैं। तो बहुरत्न सुंदर जो ये पृथ्वी है यह बहुरत्न है, विशिष्ट बहुत रत्न, बहुत सारे विशिष्ट प्रकार के रत्नों को प्रदान करने वाली है। और वो रत्न सिर्फ पाषाण खंडे सु पाषाण पत्थर के ही नहीं, तो किसके हैं, दान में, तपस्या के, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में, ठीक है। तो ये सब देने वाली क्या है, हमारी धरा है, वसुंधरा है। तो इसलिए इसे बहुरत्ना कहा गया है। एक बार इसका फिर पुनः उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद इसका इसको उच्चारण करते हुए पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा। धन्यवाद।